टालेश्वर महादेव मंदिर है वो, और बरसा पुराना है, 500 साल पुराना है, और यूं बहुत यूं चमत्कारी मूर्ति है। जने वे जीवित समाधि ली है इंटोट और औजार लर मंदिर बनियो है। और नहीं मारा जिको भी काम है जिको नहीं बढ़िया, मैं तो महादेव जी ने धारणा करी जड़े मारा काम बढ़िया। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लिकी लाया है QR कोड की शानदार ट्रिक, अभी डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। नमस्कार, राम राम खम्मा गणी, मारो नाम है नवजीत, आप देख रहे हो झलको जोधपुर। सबुवली तो सभी दर्शकों ने एक बार फिर शिवरात्रि री बहुत बहुत शुभकामनामा, और चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि शहर जुड़ी बड़ी हुई खबर आपने मिल सके। कोई तरह की न्यूज हो शहर जुड़ी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ ताकि माँ लोग उठे पहुँच सका और न्यूज कवर कर सका। आज ही खबर आ रहा है क्रम महीने मैं आयो हूँ किला घाटी जी की नागौर गेट वहाँ किला रास्ता जाया करे और दूसरा रास्ता शिवांची गेट उतरिया करे। रास्ता उत्तर तरह में एक मंदिर है जिसको बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अगर मैं बात करूँ मंदिर इतिहास री तो अटे आप अगर मंदिर है लारे जिको एक ढांचो बनियोड़ो है वो आप देखने, मैं कैमरा मैन ने कहूँगा ढांचो दिखाओ ऐसा कि कॉलानी रा लोग है सब मिल इकट्ठा हो और अटे मंदिर रो वापस एक प्राकृतिक स्वरूप दिया। तो आप लोगों जाना ला, मैं अपना मंदिर दर्शन भी करूँगा। अजय मंदिर पूजा रही है वन बात करा। कई नाम है साहब? जगदीश व्यास। कई मंदिर जो मैं नाम हुई जालेश्वर महादेव, आपने थोड़ो मान दर्शकन थोड़ा बताओ जालेश्वर नाम कई वजह ऐसा। जालेश्वर महादेव मंदिर है वो, और बरसा पुराना है, 500 साल पुराना है, और इनमान है मतलब जाड़ियर मान ही जो पचे लोगों ने मालूम पड़ियो यार मंदिर है नहीं ना, थोड़ी साफ सफाई करना है, फर्स्ट क्लास बनाओ ताकि वो मंदिर, और यूँ बहुत यूँ चमत्कारी मूर्ति है, बहुत अच्छो माना आया पचे भी काफ़ी यूँ अच्छा लोगों ने मतलब मिलियो पर्चा। और अटे जितना भी कॉलोनी वाला लोग है अटे इन्हें पूरी मेहनत करी, इन्हें सफाई करी, और इन्हें सबर है लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसों भेड़ो कर इन्हें थोड़ा घड़ो रिपेयरिंग भी करायो। और सा जिन दिन इनमें इन्हें जालदा ने अटे सा मर पाक पी है क्रिया जीरो जाल रो, तो वो जालेश्वर महादेव वो सा पूरी बस्ती ने इन पूरा वार्ड वाला राग किया हम ये जालेश्वर महादेव मंदिर अटे क्रिया जीरो जाल रो भी करने। और सा इतनी पुरानी छत्रिया भी है जिन्हें कोई सीमा नहीं है, हजारों साल है सा छत्रिया है पित्राल बनी है कि नहीं, तो सा इतो बढ़िया मंदिर है वो जिन्हें कोई सीमा नहीं, इन्हों साक्षात है जिको पर्चो भी देख यूँ सा। और नहीं मारा जिको भी काम है जिको नहीं बढ़िया, मैं तो महादेव जी ने धारणा करी जड़े मारा काम बढ़िया। मैं पूछना चाहूँ किला री बाउंड्री है ये लारी लाग रही है किला री बाउंड्री, तो अटे कोई राजा महाराजा हो रहा कोई रोल रियोड़ क्यों मने मंदिर है जिको लार लो पोर्शन देखने लाग रही है इन कोई इतिहास रियोड़ होला बड़ो प्राचीन इनो सा बिल्कुल को इतिहास को नहीं हो। और सा जिन दिन अटे कॉलोनी बसी जिन टाइम आया है उन्या बरा लोग आया जन के सा किलो 200 फुट आप है जी की जगह छोड़ दो ना आराम बनो। और सा कम कम इन्हें कॉलोनी ने बसिया ने 40 साल करीबन रहेगा। और इतो परचो है इन मंदिरों जिन्हें कोई सीमा नहीं, मार तो बनियोड़ा काम तो काटिया महादेव इस काटिया सा नहीं तो लारे जी को मंदिर बनियोड़ो है उनमें ही कही है हर सा उन्हें मायने पहली शिवरो परिवार है तो वो शिवरो परिवार वो चोरी हो गया धीमे धीमे अटे छोटा मोटा जो भी मंदिर है उन्हें सुधार भी करा ला मोहल्ला वाला कर रिया सहयोग कर रिया है सब जना कर रिया धीमे धीमे कार्य और काम हुई सा सब श्रीमाई समाज छतरिया है ऐतिहासिक जो है वह स्मृतियां है। और अटे रियल सांप भी आयोड़ा है आपने मैं वीडियो दिखा सकू उन्हों नागदेव भी दर्शन दे चुका है अटे आने शिवलिंग माता बैठने और रियल सांप है। और मैं इन मंदिरों पूरा ध्यान वगैरह सेवा वगैरह करनी सारी काफी समय कर रही हैं प्लस इन एरिया सफाई वगैरह भी कर ला जाल वगैरह तीन चार बार क्लियर कर। कई नाम है सर? मारा नाम पदम सिंह है सर। कितना टाइम हुआ रह रही कॉलोनी में? तीन पीढ़ी वटे रह दिया आपने की याद है मंदिर इसे? हाँ, मैंने हमारे बडेरा जी को बतायो है जिको मैं आपने बताऊँ की जारलो बनियो विंटेम रमाइने महादेव मंदिर नहीं हो पचे ये गिनो अटे समाधि ली है जारले मंदिर वास्ते मैंने जारलो बनो छे जने वे जीवित समाधि ली है इंटोट और जारलर मंदिर बनियो है। उन बाद रमाइने जिको सिरमाली समाज है वे आ कही हो मोने जीती भी सिरमाली समाज में जी की सती वेला उन्हीं दात संस्कार इन्हीं जगह मत वेला और ए जिकी भी छत्रिया है जिकी सब सिरमाली समाज की लेडी श्री मतलब सती हुई है। ओ ऐसा क्रिया जीरो जालरो है जिको बता रहा है इन्हें लारे इन्हें मंदिर
नाम है लोग जालेश्वर महादेव राह के उड़ा है। आप इन एरिया में ही रहो सर? हाँ अटे रहो सर। पार्षद कभी कोई सहयोग करियो आप लोग करो क्या अटे कोई जगह से बाकी करियो को नहीं हाल तो जी को मैं देख रही हूँ अटे जी का पेड़ पौधा लगाया है कलर उड़ा है ना ये तो बस्ती वाले सब करियो सब बस्ती वाला करियो बाकी कोई नहीं करियो जो लोकल है बॉडी वे लोग काम करे अच्छा वाला लोग पर्यावरण समिति बनाए हुए देख रेख में है सब काम काज यही करवा हुआ तो मैं जिका भी जलकोरा दर्शक है वहाँ भी कहनी चाहूँ अगर आप अपने मोहल्ला ने सुधार करनी चाहो तो जू बतायो कि पार्षद है वे तो अगर सुने तो पाचो उन्हें आ रहा उन्हें घर ने निकल जावे जिका अटेरा लोकल लोग है वहाँ खुद ही एक पर्यावरण समिति बनी हुई है और वे खुद ही अटे अपने मोहल्ला में काम करने तो मोहल्ला ने तो अच्छा डेवलप करियो और प्राकृतिक सौंदर्य ने डेवलप करने की कोशिश कर रही है आप देख भी सको लारे जी का पेड़ लगोड़ा है ऐसा भी आना कुदरी लगा बड़ा है आपरी जी आगे री कई प्लानिंग है इन एरिया लेना एरिया रे सब मायने सब मारे सब मोटी प्लानिंग है पेड़ पौधा लगावना पर्यावरण रे हिसाब पेड़ पौधा लगाने ने गार्डन वगैरह कराला जो भी है इन्हें कॉलोनी में मैंने जितना भी लोग है सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करके धीमे धीमे काम हो सा कितना घर है कॉलोनी में इन्हें कॉलोनी में 300 घर है सा है प्रतिमा महादेव जी री इलेक्ट्रॉनिक हालांकि अटे ढोल लगोड़ा आरती वास्ते तो आप देख सको जो है कॉलोनी रे लोग अटे बारे तैयारी कर रहे हैं शाम रे जी को अभिषेक री प्लानिंग है उन्नी और रात रे जागरण भी है तो अबार तक आप हमारे हाथ जुड़ी रहा है झलको जोधपुर माते मारा नाम है नवजीत चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि शहर जुड़ी इन प्रकार रही आपने रोचक खबर मिल सके धन्यवाद जय हिंद जय जोधाणा।